कोरोना रोग से जूझ रहे किसानों को अब मिलेंगे फ्री कृषि उत्पाद। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कैसे उठा सकते हैं आप इनका लाभ। नमस्कार किसान मित्रों, आज हम चने की फसल में दिखाई देने वाली एक ऐसी बीमारी की बात करने जा रहे हैं जो हर साल रबी सीजन में आती है और जो मुख्य रूप से आपको देखने को मिलती है, और उस बीमारी का नाम है विल्ट यानी उकटा रोग, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण होती है। ऐसा नहीं है किसान भाइयों कि यह फफूंद कहीं बाहर से आती है, यह फफूंद हमारे खेत में मौजूद होती है, हमारे बीज में होती है, और जैसे ही इसे उपयुक्त जलवायु मिलती है तो इसका असर हमारे खेत में उकटा या फिर विल्ट के रूप में दिखाई देता है। और बात करें किसान भाइयों इसके लक्षण की, तो शुरुआत में ही जगह जगह पर पौधे घेरे बनाकर सूखना शुरू कर देते हैं और समय रहते उपाय नहीं अपनाते हैं तो पूरा खेत इस रोग की चपेट में आ जाता है और शुरुआत में पौधे की पत्तियां सूखने लग जाती हैं और बाद में देखा जाए तो पूरा पौधा मुरझा कर सूख जाता है। इस बीमारी से संक्रमित पौधे को जब हम जमीन से उखाड़ते हैं तो जड़ के आसपास हम देखते हैं कि वहां सफेद भूरे काले रंग की फफूंद नजर आती है, यही उकटा या विल्ट है। तो किसान मित्रों, आप भी इस उकटा रोग से निजात पाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपकी फसल में विल्ट या फफूंद का असर ना हो, तो ये उपाय आप जरूर अपनाएं। पहला, खेत की तैयारी करते समय। दूसरा, बीज उपचार जरूर करें। तीसरा, सिंचाई से पहले कुछ फफूंद नाशक आपको जरूर डालने हैं। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपकी फसल में विल्ट यानी उकटा रोग दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। खेत की तैयारी करते समय आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें, ये एक जैविक फफूंद नाशक है। कोशिश करें किसान मित्रों ट्राइकोडर्मा किसी विश्वसनीय दुकान या फिर वेबसाइट से लें। अगर आप वेबसाइट से डायरेक्ट मंगवाते हैं तो आपके लिए ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा विकल्प होगा। दूसरा, जैसा मैंने पहले भी बताया कि फफूंद का संक्रमण हमारे बीज में भी हो सकता है, यदि किसी अच्छे फफूंद नाशक से हम बीज उपचार करते हैं तो फफूंद का संक्रमण खत्म हो जाता है, और बुआई के बाद भी अगर कोई फफूंद बीज को नुकसान पहुंचाना चाहेगा भी तो ये फफूंद नाशक एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। बीज उपचार के लिए किसान भाइयों, आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP का 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग करें। तीसरा, किसान भाइयों, हम अक्सर ये देखते हैं कि जब किसान हमारे पास समस्या लेकर आते हैं तब उनके पौधे की स्थिति 30 से 50 दिन की होती है और तब हम देखते हैं कि उनकी फसल में उकटा यानी विल्ट का प्रकोप अत्यधिक होता है, और इसे कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ही अच्छी बेहतरीन फफूंद नाशक का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। और विशेषज्ञों की माने तो थाइफेनाइट मिथाइल 70% WP का उपयोग जरूर करें, ये उकटा रोग को जड़ से खत्म करता है। जो उपाय हमने बताए हैं यदि आप अपनाते हैं तो 99% तक उकटा रोग आपकी फसल में दस्तक नहीं दे पाएगा। और आपकी फसल में भी उकटा रोग की समस्या है तो कमेंट में यस लिखें। सबसे पहले कमेंट करने वाले 5 किसान मित्रों को मिलेगी फ्री कृषि विशेषज्ञों से सलाह, साथ ही फ्री सैंपल प्रोडक्ट का लाभ भी। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल कात्यायनी ऑर्गेनिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।